गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि फिजिक्स में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बचपन में हम जब मैथ्स सीखते हैं तो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि फिजिक्स के लगभग लगभग हर एक अच्छे क्वेश्चन में, चाहे वो इलेवंथ का क्वेश्चन हो या ट्वेल्थ का क्वेश्चन हो, ये टॉपिक कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पहले हम मीनिंग समझते हैं कि होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक बहुत फंडामेंटल चीज समझने की जरूरत है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पर एक बलून कंसिडर किया है जिसमें हवा हम कंटिन्यूसली फिल करते जा रहे हैं। तो लेट्स से जब हमने इस बलून को देखा तो हम उस टाइम को टी इज इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, इस टी इज इक्वल टू जीरो पर बलून की रेडियस आर वन है और इसका वॉल्यूम वी वन है। इनको हम बोल सकते हैं कि इनिशियल रेडियस हो गई और ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम जैसे जैसे इसमें एयर फिल करते जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। लेट्स से किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, लेट्स से टी टू पर इसका रेडियस आर टू हो गया और इसका वॉल्यूम वी टू हो गया। क्लियर, किसी और दूसरे टाइम पे लेट्स से टी इज इक्वल टू टी थ्री पर इसका रेडियस आर थ्री हो गया और इसका वॉल्यूम वी थ्री हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टी से जीरो से टी टू से टी थ्री होता जा रहा है, वैसे जो रेडियस है वो आर वन से आर टू से आर थ्री होता जा रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम जो है वी वन से वी टू से वी थ्री होता जा रहा है। क्लियर, तो यहां पर रेडियस, वॉल्यूम, टाइम, ये सारे वेरिएबल्स हो गए। ये कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट कब नहीं है, जब हम इस एयर बलून में एयर फिल करते जा रहे हैं। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन का अब हम मीनिंग फिर से समझे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। यानी कि यदि मैं ये देखना चाहता हूं कि रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, हाउ रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि मैं ये देखना चाहता हूं कि हाउ रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेसिकली मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि रेडियस एक वेरिएबल हो गया और टाइम दूसरा वेरिएबल हो गया। सिमिलरली यदि मैं ये देखना चाहता हूं कि हाउ वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रेडियस, वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस को मैं डब्ल्यू आर टी लिखूंगा आपसे, सो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यदि ये मैं देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा। क्लियर, एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है यहां पर कि हाउ वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ टाइम, वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ टाइम, यदि मैं ये देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। जस्ट मिनट, मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू लिख दूं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में, यदि हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, और यदि हम वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं तो हमको वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो हम एक इन जनरल फंक्शन मान लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन, अ जनरल फंक्शन, अ जनरल वेरिएबल, आई मस्ट से जनरल वेरिएबल y एंड x। ठीक है, और हम चाहते हैं कि y किस तरीके से, किस रेट से x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि इट इज डी वाई बाय डी एक्स, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
ये बेसिकली होता है डिफरेंशिएशन, और ये उसका सिंबल होता है कि y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट और इनफाइनेटसिमली स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनेटसिमली स्मॉल चेंज इन x, मतलब बहुत छोटा चेंज y में x के रिस्पेक्ट में, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यही डिफरेंशिएशन है, इसको और भी तरीके से पढ़ सकते हैं, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। तो यदि मैं वॉल्यूम का चेंज देखना चाहता हूं रेडियस के रिस्पेक्ट में, सो मुझे लिखना पड़ेगा डी वी बाय डी आर, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं लिखना चाहता हूं रेडियस का रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, सो आई विल राइट डी आर बाय डी टी, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, सो विल राइट डी वी बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक जनरलाइज कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर्मूला है इसका कि लेट्स से वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई कुछ फंक्शन है एक्स का और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स से ये वैल्यू है एक्स की पावर एन में। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, ये हमको गिवन है और हमको बोला है कि वाई का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा। ठीक है, अब y की जगह हम x की पावर n रखें, सो d बाय डी एक्स यहां पर आएगा x की पावर n। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है, हम क्या करें डिफरेंशिएशन करने के लिए n को आगे ले आए, n को आगे ले आए और x की पावर में n माइनस वन कर दे। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। क्लियर है, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखे रखें। ठीक है, और इसका बोला है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें वाई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहां पर पुट कर देते हैं, सो इट विल बी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है कि एक्स की पावर एन, यहां पर एन की जगह टू है, जिस तरीके से यहां पर n था यहां पर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी, यहां पर x के साथ पावर आ जाएगी और जो x की पावर है उसमें से एक कम कर देगी, सो इट विल बी 2 आगे आ गया, जिस तरीके से यहां पर n आगे आ गया था, ये वाली पावर आगे कूद गई तो ये n आ गया। सिमिलरली यहां पर 2 है तो 2 आगे कूद गया। अब क्या करें, x की पावर 2 n लिखा, n की जगह यहां पर 2 है, उसमें से एक घटा देता है। क्लियर, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2x। क्लियर, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बाय 2, कुछ ये है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बोला है कि डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखना ध्यान से। पहले तो हम लिखें डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशिएशन का, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बाय 2। अब हम क्या करते हैं, हम उस फॉर्मूले में रिड्यूस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 3 बाय 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है डी वाई बाय
dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना फिर से, अगेन हमको उस फॉर्मूले को फिर से लगाना पड़ेगा कि dy बाय, जस्ट मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? इट इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला हम फिर से यहां पर लगाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। ये हो जाएगा यहां पर एक्स की पावर एन की जगह क्या है, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, एक्स की पावर -3/2 है, तो यहां पर जो एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू बेसिकली -3/2 है, ठीक है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर ले, तो यहां पर n, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है -3/2, इसको एक बार आगे कूदा देंगे यहां पर जिस तरीके से n बाहर आ जाता है, और फिर ऊपर जो x की पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्लियर, तो हम 3/2, -3/2 को आगे ले आए इंटू एक्स, अब क्या करें, -3/2 में से -1 कर देंगे, क्लियर, तो इट विल बिकम -3/2 एक्स की पावर -3 -2/2, तो क्या होगा, -3/2 इंटू एक्स की पावर -5/2, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यदि वाई की वैल्यू हमारे पास ये है तो, क्लियर। इसी तरीके से इसके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है, तो उन फॉर्मूलों की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेज पर अलग से लिख लें, और जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे तो उनको साथ रखें, ठीक है, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जब हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे, या वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सो ये कुछ ऐसे बन जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, उसका डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, क्लियर है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये याद नहीं हुआ ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली यदि साइन दे के रखा हो, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, अगेन याद रखने वाली चीज है। इधर देखते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको कोई ऐसा ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसी के बेसिस पर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से, एक्स की पावर यदि मैं -n ऊपर ले जाऊं, और फिर इसी को मैंने ये जो क्वेश्चन सेकेंड फॉर्मूला है इसको मैंने फर्स्ट में रिड्यूस कर लिया, क्लियर, तो चाहे तो आप ये याद रख भी सकते हैं, अदरवाइज ये याद रखना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। फोर्थ फॉर्मूला, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है, याद रखना साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है। टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। ये थोड़े कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं, अभी एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आप देखते जाएंगे तो वैसे वैसे याद भी होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसको लिखना एक अलग से लिस्ट में, ठीक है, एक अलग से फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, उसको एक पेज में लिख लेना, और पेज को हमेशा साथ में रखना जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं हो जाते, ठीक है। सिमिलरली लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये ध्यान से देखना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करा तो e की पावर x ही मिला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, कि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर वही फंक्शन मिलता है जो अंदर था, राइट। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x होगा, a की पावर x log a होगा, ठीक है, यहां पर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि log जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड होता है, a ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, जो ये लॉग है, इस लॉग का बेस हमेशा याद रखना कि ये बेस ई होता है, ठीक है, जब तक मेंशन ना हो, इसको देखते हैं, लॉग ई, लॉग ए बेस ए, बेस ई, ये मेंशन है यहां पर, हाँ इनडायरेक्टली ये बोल के रखा है, ठीक है, इसको देखते हैं, लॉग एक्स बेस ए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a, अगेन यहां पर जो ये लॉग है ये बेस e का है, क्लियर, यहां पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्लियर है, क्योंकि a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो लॉग उस पे 0 हो जाता है, क्लियर। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टेबल को किसी भी तरीके से याद करना है,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही बनेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली फॉर्मूले ही बनेंगे बहुत मैक्सिमम टाइम, तो ऐसे कैसे इनको याद रखना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप सब इसको नोट कर सकें। अब हम डिफरेंशिएशन की थ्योरम्स देखते हैं। ये जो थ्योरम हम पढ़ेंगे ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने इसके फॉर्मूले देखे थे वो सिंपल क्वेश्चंस के लिए लगते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थ्योरम लगा के हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरम इसकी हम देखें, दैट इज स्केलर मल्टीपल रूल। सो स्केलर मल्टीपल रूल क्या है? हम कोई फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो k है दिस k इज कॉन्स्टेंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, dy वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू हमें लिखना पड़ी k टाइम्स एफ एक्स। राइट, अब जो स्केलर मल्टीपल रूल है वो ये कहता है कि जो स्केलर क्वांटिटी है कॉन्स्टेंट वैल्यू है और जो वेरिएबल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई, वेरिएबल नहीं है ये, तो इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो। ठीक है, तो दिस के टाइम्स एफ एक्स कैन बी रिटन एज के, बाहर कर लो, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये है स्केलर मल्टीपल रूल कि हमको कॉन्स्टेंट को बाहर निकालना है, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से पहला क्वेश्चन भी बोल लेते हैं कि लेट्स से इट इज 4 टाइम्स x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीपल रूल लग रहा है, कैसे? क्योंकि 4 ये जो है ये स्केलर वैल्यू हो गई और कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रखेंगे 4x स्क्वायर, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 4 d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें? अब यहाँ पर वो फिर से फर्स्ट रूल लग जाएगा कि जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है उसको हम फर्स्ट रूल से करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाला रूल हम लगा रहे हैं। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी होगी दैट विल बी इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे किया, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो ये बन गया 8 x, ये होगा 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, टू लेट से वाई इज इक्वल टू 5, दैट्स इट, ये बोल के रखा है और बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्स की पावर में तो कुछ है नहीं, तो हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर किसी की भी पावर यदि हम 0 लिखेंगे तो वो 1 ही हो जाता है बेसिकली। तो हम वाई का डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 0। यहाँ पर भी स्केलर मल्टीपल रूल लगेगा क्योंकि ये 5 कॉन्स्टेंट है, इस 5 को बाहर निकालेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। अब वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा है, तो इट विल बी 5, एन में है 0 तो एन एन की वैल्यू पहले आगे आएगी, 0 आ गया है, एक्स की पावर 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 × 0 0। ठीक है, तो अब इसको एक हम रूल ही बना लें कि कोई जब भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दिए बने वाई इज इक्वल टू 5, ये जो वैल्यू है 5 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब भी अब से हमको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने को बोला जाएगा तो हम इतना करेंगे नहीं हर बार। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इन ऑर्डर टू हैव प्रूफ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सच में 0 होता है। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट हो, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू लेट्स से sin 90, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, sin 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1 है, और यदि मैं बोलूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करो, सो डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें, सो सिंस इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू तो हम इसको बोल देंगे सीधा सीधा 0। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट थियरम देखते हैं, सम एंड डिफरेंस रूल।
यहाँ पर देखना, एक मैंने फंक्शन कंसिडर किया, वाई इज इक्वल टू लेट्स से एफ एक्स प्लस या फिर माइनस भी हो सकता है इनटू प्लस माइनस जी एक्स। क्लियर? मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर से वही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल कहता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये सबके साथ एसोसिएट हो जाएगा। ये डी बाई डी एक्स जो है ये एफ एक्स के साथ भी हम इसको एसोसिएट कर देंगे और जी एक्स के साथ भी कर देंगे। ठीक है, तो ये जो डी बाई डी एक्स है ये इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स हम यदि बोले तो इस डी बाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ऑल्दो ये इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम के साथ ट्रिवियल हो जाता है काफ़ी। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। लेट्स से वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, ये कोई फंक्शन दे के रखा है वाई का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एफ एक्स जैसा हो गया, ये जी एक्स जैसा हो गया, इनको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रख दें हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये दिख रहा है कि ये एफ एक्स फंक्शन हो गया एक, और ये दूसरा जी एक्स फंक्शन हो गया। ठीक है, हम क्या करें, इस डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखना ध्यान से, ये वही वाला फिर से फॉर्मूला फर्स्ट वाला लग जाएगा, एक्स की पावर एन इज इक्वल का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये 2 को पहले आगे ले आए हम, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन प्लस यहाँ पर पावर 1 है तो इस 1 को आगे लाएं एक्स की पावर 1 माइनस वन। तो क्या हो गया, 2 एक्स प्लस एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है ये, अभी तक तो सिंपल ही है। इसमें एक दो रूल है जो जिन पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज तो पूरा टॉपिक ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स से वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन देख रखा है और इसमें हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से इट इज माइनस 2x2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन हो गए, तो तीनों के साथ भी वही होगा जो 2 के साथ होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस 2x2। अब क्या करें, इस डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x2। ठीक है, अब इस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का भी हमने याद किया था, और यदि याद ना हुआ हो तो मैंने जो टेबल बोली है पेज पर बना के लेने रखने की वो ज़रूर करें। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स लिख दिया हमने, प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, इसका चेंज नहीं होता, ये स्पेशल फॉर्मूला है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स माइनस। अब देखना है यहाँ पर, यह है 2x2, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, राइट? तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये 2 बाहर निकालो, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस, फिर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये एक्स की पावर एन जैसा हो गया, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 2x की पावर 2 माइनस वन। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर बनेगा हमारा, dy बाई डी एक्स
विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस फोर एक्स. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर. नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में क्या है, बेसिकली दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे. ठीक है, तो लेट्स से लेट अस कंसीडर अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स. ये दो फंक्शन हो गए. अब इन फंक्शंस का इस वाई का डिफरेंशिएशन करना है. तो फिर से अपन ऑपरेट करें डी वाई बाई डी एक्स, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो हम क्या करें, इस वाई की वैल्यू रख देते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट रूल यहाँ पर हमको जैसे दिख रहा है कि एफ एक्स डॉट जी एक्स से इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो इसने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया. मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ना करके सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया. फिर उसके बाद सेकंड को बाहर निकाल लिया और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया. क्लियर. और यदि तीन फंक्शन हो तो पहले दो को बाहर रखो, तीसरे को डिफरेंशिएट कर दो. फिर फर्स्ट और थर्ड को बाहर रखो या सेकेंड और थर्ड को बाहर रखो जैसे कि यहाँ पे किया, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया. प्लस फर्स्ट और सेकेंड को बाहर रखा यू और वी को, और थर्ड को फर्स्ट और थर्ड को बाहर रखा और सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दिया. तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करें. यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट, यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो सेकेंड को फर्स्ट को कांस्टेंट रख के. तो फर्स्ट को हमने ऐसे कैसे लिख दिया एफ एक्स, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे हम प्लस अब क्या करें, सेकेंड को एज इट इज रख देते हैं जी एक्स और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन वन. लेट्स से वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये एक क्वेश्चन देके रखा है. अब यदि मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर खुद में एक फंक्शन है और ई की पावर एक्स दूसरा फंक्शन हो गया. तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में. सो डी वाई बाई डी एक्स, अब वाई की जगह वैल्यू रखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स. ठीक है, अब इनकी हम नंबरिंग कर दें कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया. तो फर्स्ट को हमको कांस्टेंट रखना है यानी कि बाहर निकाल लेना है. एक्स स्क्वायर हमने बाहर लिखा और डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, सेकेंड का. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हो गया. प्लस अब क्या करें, सेकेंड वाले को बाहर रखना है ई की पावर एक्स को और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया. क्लियर. अब इसको फाइनली लिख देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज है. ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये वैसा के वैसा ही रहेगा डिफरेंशिएट होने के बाद भी. प्लस ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन, मतलब टू एक्स. तो जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा e की पावर x कॉमन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. इसको और भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं e की पावर x x प्लस टू और इधर हमने लिख दिया x, ये dy वाई बाई डी एक्स होगा. क्लियर. एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब तीन फंक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं. ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया. ठीक है, क्या करें, हमारा वो यू वी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि फर्स्ट दो को कांस्टेंट रख लो. हम सीक्वेंस से चलते हैं कि फर्स्ट इन दोनों को कांस्टेंट रख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. फिर
दूसरी बार में इसको और इसको कांस्टेंट रख लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और थर्ड बार में इन दोनों को कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन एक बात याद रखें, कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए। यदि चार फंक्शन होते तो चारों के साथ ऐसे ही करते हैं, बाकी तीन को कांस्टेंट रख के किसी एक को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन कंटिन्यू रखें। हम क्या करें, हम पहले लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ, वैल्यू रख देते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। सो हो जाएगा साइन एक्स, ये बनेगा साइन एक्स, कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन किसे किसका करना है हमें, कॉस एक्स का, ये हो गया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। प्लस अब क्या करें, अब हम साइन एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, लेट्स से साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस का, तो कॉस को भी कांस्टेंट रख लेते हैं, और किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बीच वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस अभी कौन सा डिफरेंशिएशन बच गया है, कॉस का भी हो गया, एक्स स्क्वायर का भी हो गया, अब ये साइन एक्स बच रहा है, तो अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को और कॉस एक्स को कांस्टेंट रख देते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देते हैं। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, फिर से वो फॉर्मूला बहुत काम आने वाले हैं, उनकी लिस्ट बना के जरूर रखें, माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स को ऐसे कैसे लिख दें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स। प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स भी एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे दिखने वाली एक्सप्रेशन में ले आते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैटर नहीं करता कि एक्स स्क्वायर को हम बाद में लिखें पहले लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, टू इंटू थ्री लिखो या थ्री इंटू टू लिखो, दोनों एक ही रहेंगे। प्लस ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स, एक्स को मैं बाहर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो इट विल बी लेट्स से टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको और भी डिफरेंट जो सिंप्लीफाई है वो किया जा सकता है, बट हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, लेट्स से दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, तो ये जो प्रोडक्ट रूल था ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या है, बेसिकली दो फंक्शन डिवीजन में है। ठीक है, लेट्स से हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है। ठीक है, ये जी एक्स जो है जी एक्स जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो जी एक्स जीरो नहीं है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें भी हम नंबरिंग कर दें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए, इसमें सेकंड वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखा है पहले और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद माइनस साइन लगाया है, जैसे प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस साइन लगा के ऊपर वाला जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन उसको बाहर निकाल के कांस्टेंट रखा, और जो नीचे वाला फंक्शन था या फिर जो सेकंड फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, सिर्फ यहीं पर ये फॉर्मूला खत्म नहीं होता, इसके पूरे के डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया इसका, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ये भूलते हैं यूजुअली, ये भूल जाते हैं कि कौन सा फंक्शन का पहला डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है,
तो ऊपर वाले का पहले डिफरेंशिएशन हुआ है, फिर माइनस साइन लगा है बीच में, और फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है। क्लियर? इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर वन, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन हो गया, इसको करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, राइट? या फिर इसको अपन बोल रहे हैं ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। तो अब क्या करें, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, सेकेंड को नीचे वाले को कांस्टेंट रख के जो ऊपर वाला है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को कांस्टेंट रख के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, किसको कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले को, किसको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को। तो नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर क्या करना है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, बीच में आएगा माइनस साइन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो नीचे वाला था उसको डिफरेंशिएट करें और ऊपर वाले को कांस्टेंट रखें, तो साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। क्लियर? क्या फॉर्मूला खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, नीचे भी कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा? नीचे किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा ई की पावर 2x। क्लियर? अब यहां से e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x कॉमन लिया, अंदर रह गया cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे है e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करें। लेट से y इज इक्वल टू साइन एक्स इन टू ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन फंक्शन हो गए, ठीक है, कौन कौन सा, साइन एक्स एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया और ये तीसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन देखना ध्यान से, ये दोनों जो है ये मिल के मल्टीप्लाई फंक्शन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में, और ये उसके डिविजन में। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देखें तो जो ऊपर न्यूमरेटर दिख रहा है, ये न्यूमरेटर खुद दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया साइन एक्स और दूसरा हो गया ई की पावर एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन टूल लगाते हैं, तो क्वेश्चन टूल लगाते हैं, क्वेश्चन टूल लगाए हम, क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे पहले तो। सो डी वाई बाई डी एक्स हम लिखेंगे, तो इट विल बी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करें मतलब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, इट विल बी साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, राइट? फिर क्या करें, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स को कांस्टेंट रखें, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन को। ठीक है, नाउ इट इज होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम, सो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ध्यान से देखना यहां पर,
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहने वाले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर ये खुद में एक प्रोडक्ट फंक्शन है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो अब यहाँ पर अंदर के इस पोर्शन के अंदर हमको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखे, पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम इसी के अंदर एक प्रोडक्ट रूल का पार्ट भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लेट्स से हम साइन एक्स को कांस्टेंट माने और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कर दें, प्लस ई की पावर एक्स को कांस्टेंट मान के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देते हैं। ये इतने पोर्शन का ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसके पूरे के डिवीजन में है एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करें अपन, साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑल्दो ये दिखने में थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, सिंपल सिंपल फॉर्मल है, डायरेक्टली उनका एप्लीकेशन है, बस थोड़े से अलग स्टाइल में कभी कभी एप्लीकेशन हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स को अंदर ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, इट इज एज इट इज। ओके, सिंप्लीफाई करें इसको, 1 प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, इधर जो बनेगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि कांस्टेंट वैल्यू आए तो उसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होती, वो 0 हो जाता है क्योंकि वो चेंज नहीं होती। क्लियर है, तो ये 0 हो गया, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, सो इट विल बी कॉस इंटू एक्स, आई मीन कॉस इंटू इट्स एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, मैं ई की पावर एक्स सबसे कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाहर आ गया ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन रूल, डी बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5। ऊपर वाला फंक्शन ये रहा, नीचे वाला फंक्शन ये रहा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले डिफरेंशिएट करना है हमें ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले को कांस्टेंट रखकर, सो इट विल बी 3x माइनस 5 अ कांस्टेंट इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, माइनस साइन लगाएंगे बीच में, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हमने बाहर कर दिया इसको डिफरेंशिएशन के, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स माइनस 5। अगेन ये लास्ट वाली चीज कभी मत भूलना कि जो नीचे है, जो है नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इंटू, अब देखना ध्यान से, ये 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2 इंटू 2 4x प्लस 1 माइनस, अब इसका ये तो कांस्टेंट है, 2x स्क्वायर प्लस x कांस्टेंट रह गया, बाहर की तरफ रह गया,
अब डिफरेंशिएशन करना है हमको 3x-5 का, तो 3x-5 का डिफरेंशिएशन होगा 3x का हो जाएगा 3, क्योंकि x की पावर 1 है, इसको मैं कर देता हूँ एक बार, 3 बाहर आ गया, d बाई dx ऑफ x की पावर 1 हो गया, माइनस 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। अब d x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, और 1 की पावर माइनस 1, सॉरी x की पावर 1-1 0, सो दैट विल बी 0, x की पावर विल बी 0, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन इसका बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं, ओके सो दिस विल बी 3x-5 4x+1 -2x² + x, यहाँ पर जो बनेगा इस साइड दिस विल बी एक्स, इट विल बी 3, क्योंकि डी एक्स का डिफरेंशिएट, एक्स का डिफरेंशिएट है एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1, तो हो गया 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x-5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज इक्वल टू x² sin x अपॉन 1-x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x² sin x अपॉन 1-x। अगेन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया सेकेंड फंक्शन, लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन है वो खुद भी दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन रूल लगा देते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल हमको लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ, ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें और इसको कॉन्स्टेंट रखें, सो इट विल बी 1-x डी बाई डी एक्स ऑफ x² sin x, बीच में लगाएंगे माइनस साइन, अब ऊपर वाले को कॉन्स्टेंट रखें, x² sin x एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1-x डिवाइडेड बाय 1-x का होल स्क्वायर, ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें, 1-x एज इट इज, यहाँ पे अब लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले हमको इसको कॉन्स्टेंट रखे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको कॉन्स्टेंट रखे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको सीधा इस बार मैं लिख दे रहा हूँ कि x² को हमने कॉन्स्टेंट रखा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, माइनस फिर हमने क्या किया, x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, तो ये हो गया साइन एक्स को कॉन्स्टेंट रखा, x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, राइट, माइनस x² sin x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इसका 1 के 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो इट विल बी -1 डिवाइडेड बाय 1-x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1-x x² cos x प्लस 2x sin x माइनस 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 का प्लस हो जाएगा ये, तो x² sin x डिवाइडेड बाय 1-x का होल स्क्वायर, ये हो गया dy / dx।